आप देख रहे हैं जो एक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेत के अवैध उत्खनन ने ली माँ बेटे की जान, नदी में नहाते समय गहरे पानी में समाए। परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए मां बेटे की नदी में नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से डूबने से मौत हो गई है। घटना कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी की है। दरअसल रेत के अवैध उत्खनन के चलते नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसका पता नदी में नहाने के लिए उतरने मां बेटे को नहीं चला और उनकी जान चली गई। जानकारी के अनुसार ओम नगर जरहा भाटा मंदिर चौक निवासी स्मिता लाल अपने पति अनीस महीस, पुत्र आवेश व बहन पिंकी तथा बहन दामाद सौरभ लाल के साथ पिकनिक मनाने कोनी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम लोफंदी गई थी। दोनों परिवार ग्राम लोफंदी में अरपा नदी में बन रहे पुल के पास पत्थर घाट में पहुंचकर पिकनिक मना रहे थे। तकरीबन 4 बजे स्मिता लाल व उनका बेटा आवेश नहाने के लिए नदी में उतरे। इस दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। शोर मचाने पर जमा हुए ग्रामीणों ने दोनों माँ बेटे को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब तक उन्हें निकाल पाते दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स हॉस्पिटल भेजा गया है। इधर पास ही एक और परिवार पिकनिक मनाने पहुंचा था। परिवार की सदस्य प्रियंका कश्यप और उनका 5 वर्षीय पुत्र भी नहाते हुए गहरे पानी में डूबने लगे थे, लेकिन महिला के पति सौरभ कश्यप ने पत्नी व बच्चे को डूबता देख नदी में छलांग लगाकर किसी तरह से उन्हें बचा लिया। खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।